मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो शौक की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने हाइपोवोलेमिक शौक और कार्डियोजेनिक जो शौक थे वो दोनों ही फिनिश कर लिए थे और उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सेप्टिक शौक। क्या पढ़ेंगे हम? सेप्टिक शौक। शौक को हमने पढ़ा था कि क्लिनिकली क्या है, सिंड्रोम होता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होती है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो जाती है, अचानक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से सेल है या टिश्यू का जो प्रफ्यूजन होता है वो कम हो जाता है और उस वजह से सेल डेथ और ऑर्गन फेलियर की ओर पेशेंट बढ़ता है। तो उस चीज़ को हमने जान लिया था जो कि बेसिक था उसका। आज हम सेप्टिक शॉक पढ़ेंगे, यानी कि सेप्टिक यानी कि इन्फेक्शन की वजह से कैसे शॉक होता है पेशेंट। अगर आपको एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट कैसे शॉक में जा सकता है। तो सेप्टिक शॉक में दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला तो है हमारा सेप्टिक, एक तो इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा लोकलाइज कि एक एरिया में इन्फेक्शन हुआ है और एक इन्फेक्शन होता है पूरी बॉडी के अंदर, यानी हमारी ब्लड स्ट्रीम में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो हमारा कहलाएगा सेप्टिक या सेप्टीमिया। तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो हाइपोप्रफ्यूजन हो रहा है, जो शॉक लग रहा है पेशेंट को, जो पेशेंट की सेल डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक का मतलब क्या हुआ? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी में होने वाला इन्फेक्शन। अब क्या होगा, इन्फेक्शन कैसे होगा? अब जो उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी है उसको जानते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स बनाई है। क्या बनाई है मैंने? ब्लड वेसल बनाई है। और हमारी बॉडी में थ्री टाइप के स्पेस होते हैं। पहला स्पेस होता है हमारा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी वेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम इंट्रावेस्कुलर स्पेस। क्या होता है वो? इंट्रावेस्कुलर स्पेस। उसके साइड्स पे हमारी क्या होती है? सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं। ये सेल्स मैंने बना रखी है, क्या है हमारे? सेल्स है। क्या है हमारे? ये हमारी सेल है। और इससे मिलके क्या बनेगा? हमारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा ऑर्गन बनते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ये हो गया इंटरस्टिशियल, यानी दो सेल्स के बीच में, और ये जो हमारी जो कैपिलरीज हैं उसके बीच में जो हमारा स्पेस है, ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल। और जो सेल के अंदर होता है स्पेस उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ये हमारा वाला स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस हो गया, थ्री स्पेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी भी वजह से इन्फेक्शन के कॉज जो है, सेप्टिक के कॉज क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकती है, पैरासाइट हो सकता है। लेकिन जो मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वजह से, वो ज़्यादा देखने को मिलता है ज़्यादा पॉपुलेशन में। जो शॉक में पेशेंट अभी तक गए हैं उनकी जो रिसर्च आई है उसमें देखा गया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन हुआ है, जो सेप्टीमिया हुआ है, उससे पेशेंट ज़्यादातर जो होता है, मैक्सिमम जो होता है, सेप्टिक शॉक में जाता है, ठीक है। और वायरस, फंगस, पैरासाइट भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में क्या हुआ, एंटर किया बैक्टीरिया। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक है, रॉड शेप में। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड वेसल्स है या सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर गया। तो अब जब ये इसके अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे, ये बैक्टीरिया आ गया यहाँ पर, ये हमारा बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया एंटर किया। अब जैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा तो क्या करेगा, अब बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी। बॉडी क्या करेगी? WBC को भेजेगी। तो जैसे यहाँ पे क्या आएंगे, अब WBC आएंगे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ क्या पहुँचेंगे, हमारी WBCs क्या होंगे, यहाँ पे हमारी WBC या ल्यूकोसाइट जो है हमारी पहुँच जाएंगे। अब ये WBC जैसे यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ये इन्फ्लामेटरी जो भी मीडिएटर होते हैं कुछ रिलीज करेंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज करेंगे, और रिलीज करती हैं साथ में साइटोकाइनिन को। किसको? साइटोकाइंस जो होते हैं, साइटोकाइंस, इस साइटोकाइंस को भी रिलीज करेंगे। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे ब्लड परफ्यूजन बढ़ जाता है, वैसोडाइलेशन होने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा TNF alpha हो गया, इंटरल्यूकिन सेकेंड हो गया, ये सब इन्फ्लामेशन के लिए होते हैं। और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये सब रिलीज करेगी WBC, उसके साथ साथ साइटोकाइनिन। साइटोकाइंस क्या होते हैं, एक तरीके का सिग्नल के लिए प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन।
ट्रांसपोर्ट ये सिग्नल के लिए क्या होते हैं? जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ, बॉर्डर पे अचानक से हमने देखा कि दूसरी सेना की जो आर्मी है वो आ गई, तो मैं क्या करूँगा? फ़ोन उठाऊँगा, जो भी मेरे पे कंट्रोल होगा सिस्टम, फ़ोन करूँगा कि यहाँ पे क्या है, दूसरे जो है देश की आर्मी आ चुकी है, हमारी यहाँ पे युद्ध होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, तो मैं अपनी और सेना को कॉल करके बुलाऊंगा। तो वैसे क्या होता है, WBC भी साइटोकाइंस को रिलीज करती है। ये साइटोकाइंस के काइंस क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं, और ये क्या करेंगे, जो और WBCs होंगी, जैसे और WBCs यहाँ पे और किसी लोकेशन में होंगी, तो उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर, उससे जाके अटैच हो जाएगा, उसे सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ वहाँ पे ज़रूरत है। तो सारे जितने भी WBCs होंगे, एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इनका क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी सेल बनने लग जाएंगी और ये सब उस एरिया में पहुँचने लगेंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहला तो ये डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा दूसरा क्या है, जो हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन सेकंड, सब क्या करेंगे, एक तो इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो वेसल्स को डायलेट करेंगे और इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करेंगे। तो वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होने लगेंगे, इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से डायलेट होने लगेंगे। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी वॉल है, जैसे अगर मैं इनको डायलेट करूंगा, खींचूंगा, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक गैप दिख रहा है आपको, गैप बढ़ने लगेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जैसे ये डायलेट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गैप्स बनने लग जाएंगे, क्या होंगे, गैप्स बनने जाएंगे, यानी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्या होगी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारी पूरी बॉडी में एक साथ चल रहा होगा। अगर किसी एक एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो ये एक एरिया में होगा, जैसे आपके कहीं चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, वो एरिया सूज जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन ये पूरी बॉडी में चल रहा है हमारी, हर जगह ये चीज़ चल रही होगी। तो क्या होगा, जैसे ये परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो जो यहाँ का जो जितना भी फ्लूइड होगा वो सारा फ्लूइड लीक होने लगेगा, क्या होने लगेगा, लीकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये लीक हो जाएगा, और लीक होके क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँचने लगेगा सारा, क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँचने लगेगा, इस सब इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे क्या हो गया, पहुँचने लग गया, लीक होने लग गया, जमा होने लग गया। अब जब यहाँ से यहाँ का जो फ्लूइड है वो सारा यहाँ इधर आने लग गया, कटआउट हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोवोलीमिया, यहाँ की जो वॉल्यूम है कम हो जाएगी, और हाइपोवोलीमिया से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे, RBC होंगे, वो कम पहुँचेंगी, जिसके वजह से जो O2 हमें RBC से मिल रही थी ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगी कम होने लगेगी। जो हमारी RBC थी, जो इसको O2 दे रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से कम हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा सेल हाइपोक्सिया की ओर बढ़ने लगेगी, हाइपोक्सिया से फिर क्या होगा, ये हमारा सेल डेथ की ओर बढ़ने लगेगा, यानी कि शॉक की ओर पेशेंट जाने लगेगा, क्योंकि ये पूरा जो मैकेनिज्म हो रहा है ये हमारा पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है। एक एरिया में अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी बॉडी में अगर ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए तो पूरी बॉडी का जो फ्लूइड है वो हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाएगा, जिसके वजह से हाइपोवोलीमिया होगा बहुत ज़्यादा, और हाइपोटेंशन होगा, और पेशेंट क्या होगा, शॉक में चला जाएगा। तो आप देखेंगे जो शॉक का पेशेंट है, अगर उसे अचानक से शॉक लगता है सेप्टीमिया की वजह से, तो पेशेंट की पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाएगी, मुंह, उसके होंठ वगैरह सब आंखें वगैरह सब सूजने लगेंगी, उसकी स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि सारा फ्लूइड लीक होकर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ गया, ठीक है। तो ये सारा इधर आने लग गया, अब क्या होगा, ये इधर आ गया यहाँ पे, अब क्या होगा, जो WBCs होती हैं वो क्या करेंगी, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जो हमारे बैक्टीरिया को क्या करें, ख़त्म करने का काम करें, उनको क्या करें, डैमेज करने का काम करती हैं। तो ऐसे ही कुछ केमिकल्स छोड़ेंगी, प्रोटीन छोड़ते हैं जो इनको क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं जो उनको डैमेज करती हैं, लेकिन वो जो एंजाइम इन्होंने रिलीज़ किए हैं WBCs ने, वो साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो यहाँ की वॉल होती है, एंडोथेलियल वॉल जो होती है हमारी कैपिलरीज की, ये साथ ही साथ उसको भी डैमेज करने लग जाती है, क्या करती है, उसको भी डैमेज करेगी। तो जब ये इनको तो मारेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये डैमेज होगी, तो ये जो एरिया स्पेस है, ये जो है लीकेजिंग हो रही है, जो हमारा यहाँ स्पेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पर डैमेज आने लगेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स थी, क्या थी हमारी रेड ब्लड सेल्स जो इसके अंदर थे, वो भी लीक होके क्या आ जाएंगे, हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लग जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आने लग जाएंगे, लीक होके सब इधर आने लगेंगे।
तो जब ये इंटरस्टीशियल स्पेस में ये सेल्स आ जाएंगे तो आप देखेंगे पेशेंट के जो स्किन है वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पे ब्लीडिंग आपको लगेगा जैसे कि नीचे कहीं ब्लड लीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीकेजिंग स्टार्ट हो जाए किसकी आरबीसी की, पूरी बॉडी में रेड पैचेस पड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि स्किन के नीचे ब्लड लीक होने लग गया उस पेशेंट का, आपको दिखने लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई और जो जो हमारा जो कैपिलरीज है उसका डैमेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे ये लीकेजिंग होगी तो जब ब्लड लीकेजिंग होने लगता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है कंपलसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करती है और वो क्या करेगी, वो करेगी प्लेटलेट को क्या करेगी एग्रीगेट करेगी। तो प्लेटलेट हमें पता है जो हमारी ब्लड लीकेजिंग हो रही है कहीं भी ब्लड क्लॉट बनाने का काम करती है, तो प्लेटलेट क्या होंगी एग्रीगेट हो जाएंगे। तो एकदम से जब प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी तो प्लेटलेट क्या करेंगे, प्लेटलेट क्या करती है प्लेटलेट प्लग बनाती है यानी कि क्लॉट बनाना शुरू करेंगे, ये क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर ये क्लॉट क्या होंगे यहाँ पे आके अटकेंगे और इसे पूरा ये जो हमारा लीकेजिंग हो रखी है इसे बंद करने का काम करेंगे, क्या करेंगे बंद करेंगे, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हुआ पूरी बॉडी में है तो पूरी बॉडी में क्या होगा पेशेंट के क्लॉट ही क्लॉट घूमने लगेंगे, और वो क्लॉट हो सकता है कि हार्ट के आर्टरीज जो है हमारी वहाँ पे ब्लॉकेजिंग कर दें या ब्लॉकेजिंग बॉडी में क्या होगी स्टार्ट हो जाएगी, कई बहुत जगह पे क्या होगी ब्लॉकेजिंग होने लगेगी क्योंकि पूरी बॉडी में प्लेटलेट की क्या है घूमने लग जाएंगे और वहाँ पे ब्लॉक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मैकेनिज्म रहा इसका। अब देखिए मान लीजिए हमारा जो लंग्स है वहाँ क्या चल रहा होगा, ये मान लीजिए हमारा लंग मैंने बनाया, ये लंग्स है हमारा, ठीक है ये मैंने लंग्स बनाया, ये लंग्स की हमारी कैपिलरीज है, ये लंग्स की कैपिलरीज है हमारी। अब क्या होगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सिस्टम हो रहा है तो यहाँ पे लीकेजिंग स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे भी क्या होगी फिर लीकेजिंग स्टार्ट होगी, तो जो लीकेजिंग होगी तो ये सारा जो फ्लूइड होगा ये कैपिलरी से लीक होके क्या होगा हमारा, कैपिलरी से लीक होके क्या होगा हमारा किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा जो एल्वोलाई होती है, जो हमारे लंग्स में एल्वोलाई होती है जो गैस का ट्रांसफ्यूजन करती है, O2 देती है CO2 लेती है, यहाँ पे क्या होगा पूरे जगह पे यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा, वाटर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे RBCs वगैरह बढ़ जाएंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे एल्वोलाई में वाटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाएगा, तो हमारी जो RBCs है उनको एक तो RBCs हमारी लीक हो गई कम हो गई, ऊपर से ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो जो RBC आ भी रही है वो भी बेचारी ऑक्सीजन लेके नहीं आ पा रही, तो इसके वजह से क्या होगा जो सेल को ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो लगातार क्या होता जा रहा है डिक्रीज होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल जो पहले था उससे और कम हुआ, उसके बाद लंग हमारा फेलियर में जा रहा है। अगर ये स्थिति ज़्यादा बन जाए तो पेशेंट क्या होगा हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, किस में जा सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, तो उसके वजह से फिर O2 और कम होने लगेगी और O2 कम होती चली जाएगी और उसके वजह से हमारी जो पेशेंट है हमारी जो पहले तो हमारी जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारा पूरा टिश्यू जो हमारी सेल डेथ होगी, फिर टिश्यू डैमेज होगा, ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है, लंग फेल हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है उसका, मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर पेशेंट क्या होगा आगे बढ़ने लगेगा, क्या होगा पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर बढ़ने लगेगा। और वैसे ही हमारा हार्ट मैंने बना दिया, हार्ट में क्या होगा जैसे हाइपोटेंशन होगा पहले तो हार्ट अपनी हार्ट बीट बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट हमारा क्या होगा हाई हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, लेकिन क्या होगा बेचारे जो हमारा हार्ट है उसको भी तो काम करने के लिए O2 चाहिए, तो हार्ट को भी O2 नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे पहले तो हार्ट रेट बढ़ेगी लेकिन जब उसको O2 नहीं मिलेगी तो ये हार्ट फेलियर की ओर बढ़ सकता है, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो भी अपना काम नहीं करेगा, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हो रहा है हमारा ऑर्गन फेलियर की ओर आगे बढ़ने लगेगा, क्या होगा बढ़ने लगेगा। ये देखा गया है कि जो भी सेप्टिक शॉक के 3 पेशेंट होते हैं 3 में से लगभग हमारा जो 1 पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है, हर 3 में से 1 पेशेंट की डेथ होती है, अगर 100 पेशेंट हमारे में शॉक हुआ 30 पेशेंट की ऐसे ही डेथ हो जाती है, उसको हम बचा नहीं पाते हैं। तो हमारा हमने कॉज पढ़ा, ये हमारा उसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, और जो कॉज था हमारा बैक्टीरिया वायरस फंगस पैरासाइट है। ठीक है, अब क्या है साइन और सिम्टम क्या आएंगे, साइन और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे किसी पेशेंट को सेप्टिक शॉक आया है, एक तो अर्ली है और एक है लेट। अर्ली मतलब स्टार्टिंग में क्या सिम्टम मिलेंगे, लेट उसके अगर लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा तो क्या हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला है वॉर्म स्किन, पहले जब हमारा शॉक स्टार्ट होगा उसको पेशेंट को तो बॉडी क्या होगी हमारी देखेंगे आप, तो स्किन उसकी वॉर्म होगी, गर्म होगी, उसको फीवर आने लगेगा,
लेकिन अगर कंडीशन लेट हो जाए तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो फिर एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो उस वजह से बाद में क्या होगा, बॉडी ठंडी पड़ने लग जाएगी, फीवर आएगा उसको। पहले है हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है पहले क्या होगा हमारा हाई होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सेल्स को, तो बॉडी क्या करेगी रिस्पायरेटरी रेट को क्या होगी बढ़ाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा इसमें ये कंडीशन बनी रही ज़्यादा देर तक, तो यहाँ पूरे में फ्लूइड बढ़ जाएगा और पेशेंट क्या हो सकता है बाद में रिस्पायरेटरी फेलियर में जा सकता है। क्या होगा रिस्पायरेटरी फेलियर में जा सकता है कि वो सांस ही ना ले पाए लास्ट में, ऐसा हो सकता है उसको सांस ही ना आए। तो लेट अगर स्टेज हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर में जा सकता है। फिर है हमारा स्टार्टिंग में क्या होगा मेंटल स्टेट क्या होगी, उसको रेस्टलेस फील होगा, थकान सी फील होने लगेगी शुरू में। लेकिन अगर स्टेज बहुत देर तक बनी रहेगी तो अल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेट में उसके क्या हो सकता है अल्ट्रेशन आ सकता है। पेशेंट अजीब हरकतें करेगा, भूला भूला सा रहेगा, उसको कुछ पता नहीं रहेगा, होश नहीं रहेगा, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे इसको क्या हुआ, उसकी मेंटल स्टेट ख़राब हो जाएगी। और अगर ये चीज़ ज़्यादा देर तक रही तो क्या होगा पेशेंट हमारा कोमा में जा सकता है, ये हमारा उसके बाद है। फिर है हमारा SpO2 लेवल। SpO2 लेवल क्या होगा, पहले तो डाउन जाएगा आपका SpO2 लेवल क्या है, डाउन हो जाएगा। अगर आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल देखेंगे तो पहले कम होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे लीकेजिंग हो गई है, ये इधर आ गई और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उस वजह से उसका SpO2 कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लेट स्टेज तक हो जाए, बहुत देर तक ये चीज़ बनी रहेगी, तो क्या होगा फिर हमारे यहाँ फ्लूइड पूरा भर जाएगा, उसके वजह से जो O2 आ भी रही होगी, जो थोड़ी बहुत O2 आ भी रही होगी, वो भी यहाँ तक क्या होगी डिफ्यूज़न उसका नहीं पाएगा, सेल तक नहीं पहुँच पाएगी। तो जब सेल तक सेल उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो जो ऑक्सीजन हमारे HB पे जो हमारे RBC पे ऑक्सीजन होगी भी वो उन्हीं के पास रहेगी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको SpO2 बाद में हाई देखने को मिलेगा। क्या पता बाद में आपने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया, ऑक्सीजन दे दी, लेकिन ऑक्सीजन जो है प्रॉपर क्या है हमारी सेल तक पहुँच ही नहीं पा रही है, तो हमारे ब्लड में SpO2 लेवल हाई देखने को मिलेगा। अगर आप इस पोजीशन में कार्डियक मीटर में देखेंगे, कार्डियक मॉनिटर में देखेंगे कि पेशेंट का SpO2 लेवल हाई जा रहा है, यानी उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल हाई जा रहा है, तो ये समझ जाइए कि पेशेंट की जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रही हैं, यानी पेशेंट जो है हमारा सेल डेथ की ओर बढ़ रहा है और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके वो डेथ के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका है, पेशेंट डेथ उसकी होने वाली है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं SpO2 लेवल अगर उसका हाई दिखने लगेगा। अब क्या है टेस्ट क्या है, पहले तो आप किसी पेशेंट को अगर शॉक आया है तो पहला तो उसमें यह है कि आपको उसका क्या करना है, जैसे शॉक आया उस पेशेंट को आपको उसका सर नीचे करना है, इस तरीके से उसको इस पोजीशन में कर देना है, उसका सर नीचे और लेग्स उसके ऊपर कर देना है, ताकि क्या है जो ब्लड है ब्रेन तक पहुंचता रहे, ताकि ब्रेन तक ब्लड पहुंचेगा, ब्रेन डैमेज ना हो पेशेंट का, ब्रेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को नुकसान पहुंच गया एक बार तो फिर दोबारा ठीक नहीं होगा, उसके वजह से और मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है। उसके बाद आप सीधा पेशेंट को क्या करिए हॉस्पिटल ले जाना है डायरेक्ट, हो सके तो पेशेंट को सबसे पहले ICU में ही ले जाइए, इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट को ले जाना चाहिए। फिर जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट जाता है, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करें उसका ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड कल्चर से हमें पता लगेगा पेशेंट को किस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, फंगस को है वायरस को है, उस स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया का पता लग जाएगा, और उससे हम उसके लिए एंटीबायोटिक डिसाइड कर सकते हैं कि क्या देना है उसको। फिर CBC कराएंगे, CBC से हमें पता लगेगा कि ब्लड स्ट्रीम में कितना हमारा RBC है या जो लेवल्स हैं प्लेटलेट का लेवल वगैरह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट का करा सकते हैं ABG आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस हम आर्टरी में इसमें क्या होते हैं ब्लड लेते हैं, उसका टेस्ट होता है कि ब्लड के अंदर CO2 लेवल कितना है और O2 लेवल कितना है, उससे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता लगेगा कि पेशेंट में जो हमारी सेल्स है उसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कितने किस स्टेज पे है, अर्ली स्टेज है बहुत हाई स्टेज पे पहुंच चुका है। फिर है हमारा सीरम लैक्टेट टेस्ट। लैक्टेट टेस्ट क्या होता है हमारा जो लैक्टिक एसिड है ब्लड के अंदर उसका पता लगाती है, अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा इसका मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादा हुआ है, ऑक्सीजन सेल को नहीं मिली है और क्या है उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बना है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पता लगता है कि कितने ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो ये टेस्ट तुरंत पेशेंट के करने हैं हमें। फिर है उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वैसे हम बाद में पढ़ने वाले थे लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले तो हमें पेशेंट को टेस्ट करने के बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है, सबसे पहले एंटीबायोटिक लगाओगे ताकि ये बैक्टीरिया क्या हो जाए हमारे ख़त्म हो जाए और इन्फ्लामेशन वगैरह जो भी कंडीशन चल रही है ये सब बंद हो जाए।
उसके बाद है अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से काम नहीं चल रहा है या हमारा ब्लड कल्चर में कुछ पता नहीं लगा है तो हम एंटीफंगल पे जाएंगे, एंटीफंगल उसको देंगे। फिर है हमारा आईवी फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या है वॉल्यूम कम हो चुकी है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देंगे उसको, पेशेंट को आईवी देंगे, डीएनएस लगाएंगे। और कितना देंगे 30 ml पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से। फिर हम देंगे पेशेंट को वैसोप्रेसर, तो ये क्या करेंगे जो हमारे जो वेसल्स डायलेट हुई हैं उसको क्या करेंगे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसको सिकोड़ देंगे ताकि कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाए दोबारा से। फिर हम सपोर्टिव ऑक्सीजनेशन, क्योंकि पेशेंट के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही था उसको ऑक्सीजन देना है। और अगर पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर में चला गया, सांस लेने में भी समर्थ नहीं है, नहीं ले पा रहा है, तो सीधा उसको हम क्या करेंगे वेंटिलेटर पर डाल देंगे पेशेंट को। जो कृत्रिम श्वसन होता है आर्टिफिशियल रूप से सांस दी जाती है, पाइप्स को उसको डालते हैं लंग्स में और वेंटिलेटर में हम उसको डाल देंगे। उसके बाद हम स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं अगर कंट्रोल में नहीं आ रही स्थिति, ज़्यादा हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे। फिर अगर हमारा स्किन वगैरह में ज़्यादा फ्लूइड लीक होकर पानी भर गया है तो उसके लिए हम पेशेंट का डायलिसिस भी कर सकते हैं, पेशेंट को डायलिसिस पर डालेंगे। और जो एक्स्ट्रा जो हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड गया है उसको हम क्या कर सकते हैं डायलिसिस से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमें जो ये जो था हमारा सेप्टिक शॉक का, सेप्टिक शॉक क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारा, और इसका कॉज क्या है, इसकी स्टेज क्या है, सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, टेस्ट क्या हमें करना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए आईसीयू के अंदर, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और इन सब चीज़ों को पता अगर आपको हो तो आप ट्रीटमेंट भी इसमें कर सकते हैं। अगर आप आईसीयू में काम करते हैं वगैरह तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस हो सकती है। तो हमने अपना जो था अपना हाइपोवोलेमिक शॉक फिनिश किया, कार्डियोजेनिक शॉक फिनिश किया, और हमने अपना सेप्टिक शॉक फिनिश किया। इसके बाद हम एनाफिलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेज ऑफ जो हमारे शॉक की जो स्टेज है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके जो हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और अगर आ रही हो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं आप, और आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।